Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने bacterial disease को read किया था, हमने 8 bacterial disease को study किया था, जिसमें typhoid, tetany, pneumonia, tuberculosis, diphtheria, etc. ये आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे, यानी कि थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे. लेकिन इस थर्ड लेक्चर में हम और कुछ बैक्टीरियल डिजीज स्टडी करेंगे जो नीड पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनमें कुछ डिजीज ऐसे हैं जो सेक्चुअली ट्रांसमिट डिजीज है, जो ऑलरेडी हमने यूनिट फर्स्ट में स्टडी किया है. तो दैट मीन्स कि ये टॉपिक जो आज का वीडियो है, जो आज का लेक्चर है, इसमें हम बैक्टीरियल डिजीज को और स्टडी करेंगे. सो लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने रीड किया था, पहले डिजीज किसे कहते हैं, पैथोजन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. फिर हमने कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट किए थे, उसमें हमने पहली कैटेगरी ली थी बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें हमने पहले दो डिजीज जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग एंड कॉलरा रीड किया था. लास्ट सेकेंड लेक्चर में हमने रीड किया था डिप्थेरिया, हमने रीड किया था निमोनिया, हमने रीड किया था पर्टूसिस, हम बोलते हैं वूपिंग कफ, हमने टाइफाइड को रीड किया, हमने टेटने को रीड किया, हमने उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस को रीड किया, हमने उसके बाद निमोनिया को रीड किया, हमने उसके बाद टाइफाइड फीवर को रीड किया, एटसेट्रा. ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हमने देखे. आज के इस क्लास में हम कुछ और बैक्टीरियल डिजीज रीड करेंगे. अगर आपको लास्ट पहला नोट याद होगा, उस पहले वाले नोट में मैंने क्या लिखा था, एक ट्रिक लिखी थी टू रिमेम्बर द बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें जो पहली ट्रिक थी वो थी, वो डिजीज हमने रीड किए थे. उसके बाद हमने एक दूसरी ट्रिक स्टडी की थी, चार्लीज गैंग इज बैक, चार्लीज गैंग इज बैक. तो आज के इस लेक्चर में हम वो और बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे. तो इससे जो है आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सारे बैक्टीरियल डिजीज. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, दैट्स बैक्टीरियल डिजीज. तो बैक्टीरियल डिजीज में हम पहली डिजीज जो स्टडी करेंगे वो है कैंक्रोइड. सो डिजीज नंबर फर्स्ट, कैंक्रोइड. पहले हम देखते हैं, आपको पता ही है, हम हमेशा देखते हैं पहले कॉजेटिव एजेंट, आखिर डिजीज किसकी वजह से होती है. तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हीमोफिलस, हीमोफिलस ड्यूक्री. सो हीमोफिलस ड्यूक्री इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है. हमेशा याद रखिए, जो कॉजेटिव एजेंट है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि नीट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इवन कभी कभी बोर्ड में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंक्रोइड इज कॉज्ड बाय, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है विच इज द कॉजेटिव एजेंट इन कैंक्रोइड, दैट्स हीमोफिलस ड्यूक्री. ये जो हीमोफिलस ड्यूक्री है ये ग्राम नेगेटिव और ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, यानी कि ये बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया है. उसके बाद हम पहले देखेंगे ट्रांसमिशन. जो ये कैंक्रोइड्स होते हैं, जो हीमोफिलस ड्यूक्री है, ये एक्चुअली एसटीडी है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. आई विल राइट हियर, ये एसटीडी है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो हमेशा ये डिजीज पास ऑन होगी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पार्टनर टू नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर ड्यूरिंग सेक्चुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि जब दो पार्टनर्स के बीच में सेक्चुअल इंटरकोर्स होगा, सेक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो क्या हो जाता है उस वक्त, अगर कोई पार्टनर जो है वो पॉजिटिव है, या उसको हम कह सकते हैं उसको कैंक्रोइड्स है, तो उस पॉजिटिव पेशेंट से ये दूसरे नॉन पॉजिटिव पेशेंट में पास ऑन हो सकता है. इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डिजीज. या अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब कोई डिजीज, कोई पैथोजन पास ऑन होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली, यानी कि विदाउट एनी मीडियम, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज. ये वही डिजीज है, क्योंकि यहां पे पार्टनर क्या होता है, अफेक्टेड विद द कैंक्रोइड्स, वो अपने उस पार्टनर को पास ऑन करता है जिसे कैंक्रोइड्स नहीं होते हैं. सो ये पास ऑन होता है थ्रू एसटीडीज, या हम सॉरी थ्रू सेक्चुअल इंटरकोर्स. और एक और चीज ध्यान से देखिए बेटा, जब नॉन हाइजीनिक सेक्स होगा, यहां पे मैं लिखता हूं नॉन हाइजीनिक या वल्गर सेक्स होगा, हाइजीनिक सेक्स होगा, सपोज एनल सेक्स होता है या ओरल सेक्स होता है,
ओरल या एनल सेक्स, तो ये पैथोजन जो है पास ऑन होता है फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू नॉन अफेक्टेड पर्सन। तो इसमें सबसे मेन कॉन्टेक्ट क्या है? थ्रू सेक्चुअल इंटरकोर्स। तो ध्यान से सुनिए, ये ट्रांसमिशन है, क्योंकि जब ये एसटीडी है तो मेनली किनको अटैक करेगा? मेनली ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अटैक करेगा। तो जब हम देखते हैं सपोज सिम्टम्स में देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि टारगेट क्या है। जो मेल्स होते हैं, मेल्स में क्या, या हम सपोज मेल या फीमेल हम दोनों लेंगे, इनमें बोथ है कॉमन है, मेल्स और फीमेल्स में पेनफुल एंड ब्लीडिंग अल्सरेशन। तो दर्द से भरी, और उस अल्सरेशन में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, पेनफुल एंड ब्लीडिंग अल्सरेशन, जिसे हम बोलते हैं कैंक्रॉइड्स, ऐसे हम बोलते हैं कैंकर। ये एक पस्टूल जैसा होता है, बिल्कुल एक स्पॉट होता है, एक बर्निंग स्पॉट होता है, ऐसा लगा होता है जैसे वहां पे कुछ स्क्रैच लगे हैं, वहां पे कोई इंजरी हुई है, जहां से ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लड लॉस हो रहा है, वहां से कुछ पस भी लॉस होता है, पेनफुल एंड ब्लीडिंग अल्सरेशन, जिसमें पस सेक्रीशन होती है। और ये दोनों में होता है, फीमेल्स और मेल्स में भी। और ध्यान से सुनिए, इसको इसलिए नाम पड़ा है कैंक्रॉइड। कैंक्रॉइड क्या होता है? ये बिल्कुल एक पस्टूल होता है, एक बिल्कुल रेड स्पॉट होता है, जहां से ब्लीडिंग, पहले तो उसमें सबसे ज्यादा खुजली होती है, इरिटेशन होती है, और खुजली के बाद वहां पे जो सराउंडिंग स्किन है वो डेड हो जाती है, और डेड होने के बाद उससे फिर क्या हो जाती है? अल्सरेशन, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसमें पस भी सेक्रेट होता है, बोथ फ्रॉम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं मेल्स में पेनिस, फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटिला, जैसे वल्वा है जो एक्सटर्नल जेनिटिला है, तो उसी में ये जो फीमेल्स है उसमें ये टारगेट करता है, उसमें ये पस्टूल्स निकलते हैं, उसमें पस सेक्रीशन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम क्या देखते हैं? देखिए, जब भी नॉन हाइजीनिक सेक्स होगा तो उससे ये डिजीज पास ऑन हो सकती है, सो बेटर गो फॉर हाइजीनिक सेक्स। सो हम ये कह सकते हैं हाइजीनिक सेक्स किसे हम बोलते हैं? हाइजीनिक सेक्स मींस कि दोनों पार्टनर एंश्योर करेंगे बिफोर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, दे शुड एंश्योर कि देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर क्लीन, दे शुड वॉश देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विद एंटीसेप्टिक, और वी कैन से दे कैन वॉश देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सो दैट अगर खुदा ना खास्ता किसी एक पार्टनर में कोई पैथोजन है तो वो दूसरे पार्टनर में पास ऑन नहीं होगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर दो पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को भी डाउट है कि उन्हें ऐसी बीमारी है तो उन्हें दूसरे पार्टनर के साथ सेक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो पहले से क्योर करेगा। और अब अगर उनको सेक्चुअल कॉन्टैक्ट करना भी है, दे शुड गो फॉर कॉन्डोम्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्स जो है, दे शुड यूज कॉन्डोम्स या सर्विकल कप्स, से हम बोलते हैं फीमेल कॉन्डोम्स। तो ये देखा गया है, नो वैक्सीन इज देयर, सो इसलिए ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा? यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक यानी कि अगर किसी बंदे को ये बीमारी लगी है तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए वी हैव टू यूज द एंटीबायोटिक्स। मैंने यहां पे आपको बोला था हाइजीनिक सेक्स, यूज ऑफ कॉन्डोम, सर्विकल कप्स यानी कि फीमेल कॉन्डोम्स। और सबसे मेन चीज जो प्रोस्टिट्यूशन है,
यानी कि जहां पे हम ये कह सकते हैं एक फीमेल जिसके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं या कोई मेल जिसके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, दैट मीन जो इनके अपोजिट पार्ट है, जहां पे सेक्स बहुत लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, जहां पे सेक्स बहुत लोगों के साथ हो सकता है, तो वहां पे तो डेफिनेटली ये चांस है, क्योंकि जब एक फीमेल मल्टीपल मेल्स के साथ सेक्चुअल कोर्स करती है ऑनली टू अर्न मनी, तो उसके लिए चांस उसको पता है किसी भी वक्त कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या जब कोई मेल किसी और फीमेल मल्टीपल फीमेल्स के साथ सेक्चुअल कॉन्टेक्ट कर सकता है तो ऐसा हो सकता है, इसलिए दे हैव टू अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन। सो हम कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन, इसे क्या करना है, अवॉइड करना है। सो प्रोस्टिट्यूशन जो है दे शुड बी बैंड, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेन रीजन है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। बहुत सारे जो हम कह सकते हैं इसमें, जो मैंने आपको बोला था पेनफुल ब्लीडिंग, इसमें अदर देन जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो टंग है उसमें भी स्वेलिंग होती है, आई विल राइट इट हियर, जो टंग है उसमें भी ये निकलता है पस और वी कैन से अल्सरेशन, तो उसमें भी अल्सरेशन होती है। इवन देखा गया है एनल पार्ट में भी, तो जो ओरल सेक्स या हम कह सकते हैं एनल सेक्स कह सकते हैं जिसे हम बोलते हैं, ये तो ये मेन रीजंस है इसके लिए कि टंग में स्वेलिंग होती है, सोलन टंग होती है या रेडनेस रैश निकलते हैं, तो वी शुड अवॉइड दैट ओरल सेक्स और वी कैन से एज एनल सेक्स। तो इसका ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस क्या है इसका, हाउ कैन वी डायग्नोज, तो इसके लिए एक स्टेनिंग की जाती है, बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। व्हाट इज दैट ग्राम स्टेनिंग, कि यहां पर जो ग्राम स्टेनिंग होती है, जहां पे ये पस्टुल्स निकलते हैं, जहां पे ये कैंक्राइड्स होते हैं, जहां पे ये रेड स्पॉट्स होते हैं, वहां से हम कुछ डेड टिश्यू या वहां से हम एक सेक्रीशन लेंगे, उसको कल्चर करेंगे, उसमें देखेंगे, उसमें डेफिनेटली प्रेजेंट होगा हीमोफिलस डुकरी। सो ये था इसमें ये इंपॉर्टेंट, इस वाले डिजीज में आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, हु इज द कॉजेटिव एजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और आपको याद रखना है कि ये एसटीडी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, ग्राम स्टेनिंग, यानी कि जो भी है, जैसे इसके बाद आपने साइफिलिस हमने पढ़ा है, गोनोरिया पढ़ा है, ये भी एसटीडीज है, क्लैमाइडियासिस पढ़ा है, तो उनमें हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, और इसमें ये देखना है कि इसमें अल्सरेशन होती है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या होती है अल्सरेशन, तो उससे पता चल सकता है कि ये कैंक्राइड्स है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी डिजीज देखेंगे, दैट इज गोनोरिया। सो नाउ सेकंड डिजीज, ये भी बैक्टीरियल है, इसका नाम है गोनोरिया, ये भी एसटीडी है, ये भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है निसेरिया गोनोरिया। जो निसेरिया गोनोरिया है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये दूसरी डिजीज जो हमने पढ़ी इस वक्त गोनोरिया, ये होती है, ये भी ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ये कोकस शेप्ड है, डिप्लोकोकस, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। तो पहले हम देखेंगे ट्रांसमिशन, जैसे इससे पहले हमने कौन सी डिजीज पढ़ी बेटा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कैंक्राइड्स, वो भी एसटीडी थी, वो भी थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तो ये डिजीज भी फैलती है किसके थ्रू, एसटीडीज, या इन्हें बोलते हैं विनेरल डिजीज वो होते हैं जो पास ऑन होते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स, तो ये जो है एसटीडी सेक्सुअल डिजीज है। तो इसमें भी वही होता है, जब एक पार्टनर अफेक्टेड होता है, जिसको गोनोरिया होगा, वो पास ऑन करता है अपने पार्टनर को जो अभी अफेक्टेड नहीं है, तो इसमें हम यही कह सकते हैं थ्रू सेक्चुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसमें पहले हम देखेंगे सिम्टम्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा बेटा, इस और पहले वाली डिजीज में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे,
ये यहां पे यूरिनो जेनिटल जो म्यूकोजा है, वो अफेक्टेड होता है. दैट मीन्स यहां पे यूरिनरी पार्ट भी अफेक्ट होता है और जेनिटल पार्ट भी अफेक्ट होता है. तो इसमें क्या क्या होता है, आई राइट हियर, यूरिथ्राइट्स, जो यूरिथ्रा होता है उसको इंफेक्शन होती है यूरिथ्राइट्स. उसके बाद जो मेल्स में होता है पेनिस जो होती है उसमें पस सेक्रीशन फ्रॉम पेनिस, ठीक है बेटा. और इसमें क्या होती है, बर्निंग एंड पेनफुल मिक्चुरेशन. व्हाट इज दैट मिक्चुरेशन, यानी कि जब यूरिनेशन होती है, जब मेल यूरिनेशन के लिए जाता है तो उस वक्त यूरिनेशन के दौरान बहुत दर्द होता है उसे, पेनफुल, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन होती है उस वक्त. उसके जो मेल कॉम्पिलेटरी ऑर्गन उसमें बहुत पेन होती है और उसका जो यूरिथ्रा है उसमें भी इंफेक्शन होता है तो उसमें भी पेन होती है. तो दैट मीन, क्योंकि जो यूरिन है मेल्स में वो पास ऑन होता है थ्रू यूरिथ्रा, इसलिए उसमें क्या होती है, बर्निंग एंड पेनफुल मिक्चुरेशन. और एक और चीज, मेल्स को कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो बार बार किसके लिए जाता है, यूरिनेशन के लिए. सेम हैपन किन में, फीमेल्स में जैसे यहां से मेल्स में किस कहां से पस सेक्रीशन है, थ्रू पेनिस. फीमेल्स में किस में, वेजिनल पस डिस्चार्ज. देखिए ये जो पस, और कभी कभी फीमेल्स में कोई व्हाइट डिस्चार्ज पास ऑन होती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर यही डिस्चार्ज फ्रीक्वेंटली निकलती है और वो येलोविश है तो दैट मींस देयर इज अ सिम्टम ऑफ गोनोरिया. सो वेजिनल पस डिस्चार्ज. और उसके बाद इंपॉर्टेंट शबाश, पेनफुल एंड बर्निंग मिक्चुरेशन, पेनफुल एंड बर्निंग मिक्चुरेशन. इतना ही नहीं, कभी इन्फेक्शन जो है क्रॉनिक केस कैसा, अगर अर्ली स्टेज में इसमें हमने इसके अलावा ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्रॉनिक केस में ये कहां पूछेगा, ये अटैक करेगा यूट्रस को एंड फैलोपियन ट्यूब्स को, फैलोपियन ट्यूब्स, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. इसी तरह जो मेल्स है, मेल्स में क्रॉनिक केस में कहां पे इफेक्ट करेगा, एपिडाइडिम्स. उसके बाद वैसा डेफरेंशिया, तो उससे क्या होगा, जब वैसा डिफरेंशिया एपिडर्मिस इन्वॉल्व होंगे, वो ब्लॉक होंगे, तो इससे बोथ मेल और फीमेल क्या बनेंगे, स्टीराइल. तो इससे अटेन हो सकती है स्टीराइलिटी, ठीक है, यानी कि बोथ जो मेल्स और फीमेल्स है ये हो जाएंगे स्टीराइल. और एक और चीज है, अगर सपोज मदर जो है प्रेग्नेंट है, अगर एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और उसको हुआ है गोनोरिया, तो जब उसकी पाचुरेशन होती है, डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के दौरान मदर से जो निकलता है ये इफेक्शन, यानी कि जब वेजिनल डिलीवरी होती है, जब बेबी निकलता है थ्रू वेजिना से, तो उस वक्त क्या होता है कि वेजिना की साइड पर जो ये पस्टूल्स होते हैं जिनमें ये बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, निसेरिया गोनोरिया, तो ये बच्चे की आंख में चला जा सकता है जिससे बच्चा ब्लाइंड हो सकता है. इसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल गोनोरिया. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा. Child can become blind cub at the time of delivery. यानी कि जब बेबी डिलीवर होगा, जब बेबी क्या होगा, डिलीवर, यानी कि जब पाचुरेशन होगी, वो अगर मदर अफेक्टेड है, किससे अफेक्टेड है,
गोनोरिया से, तो जब वेजिनल डिलीवरी होगी यानी कि जब बेबी एक्सपेल होगा थ्रू वेजिना से, व्हाट विल हैपन, आपको पता ही है कि डिलीवरी में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले जो ये हेड है ये बाहर आ जाता है और उस वक्त जो ये फेसल पार्ट है ये लगता है किस साइड से, टू द फ्लोर ऑफ वेजिना, क्योंकि अगर फ्लोर ऑफ वेजिना में क्या है पस्चूल्स, उसमें वहां पे इंफेक्शन है, वहां पे बैक्टीरिया हो सकता है, तो बैक्टीरिया कहां पास ऑन होगा, बच्चे के आंख में, जिससे बेबी क्या हो सकता है ब्लाइंड, तो चाइल्ड कैन बिकम ब्लाइंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो यहां से मदर से पास ऑन होगा बेबी को, दिस इज नोन एज कंजेनाइटल गोनोरिया, तो ये मदर से पास ऑन होता है किसमें, बेबी में, इसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल गोनोरिया। तो ये थे इसके सिम्टम्स। प्रिवेंशन क्या है इसका, व्हाट इज द प्रिवेंशन, याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बोला, हमने पढ़ा कैंक्रोइड्स में भी, इसका एक ही प्रिवेंशन है, कोई वैक्सीन नहीं है, जस्ट यूज ऑफ कॉन्डोम्स, तो कॉन्डोम्स को यूज करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन, तो प्रोस्टिट्यूशन जो है उसको अवॉइड करना है, क्यों करना है अवॉइड, क्योंकि देयर आर द मेन रीजंस ऑफ, शाबाश, दीज आर द मेन रीजंस ऑफ एसटीडीज, जो सेक्चुअली ट्रांसमिट डिजीज है, चाहे वो कैंक्रोइड हो, गोनोरिया हो, या इससे पहले हम सिफिलिस पढ़ेंगे या क्लैमाइडियस पढ़ेंगे, तो उसमें जो मेन रीजन है वो है मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि जो मल्टीपल पार्टनर्स है वो जब बहुत सारे के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं तो उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा पार्टनर इफेक्ट है, किसके में इन्फेक्शन है, तो वो पास ऑन हो सकता है, सो बेटर इज टू अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन। ट्रीटमेंट क्या है इसका, मैंने पहले कहा नो वैक्सीन, ओनली एंटीबायोटिक्स, तो जब ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी उस वक्त सिर्फ क्या काम करेगा, एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज डायग्नोसिस, याद रखिएगा डायग्नोसिस में क्या करना है हमें, डायग्नोस में वही जो मैंने अभी पहले कहा, ग्राम स्टेनिंग ऑफ पस, जो ये पस डिस्चार्ज निकलता है, जो ये डिस्चार्ज निकलता है, चाहे वेजिनल डिस्चार्ज है या पिनाइल डिस्चार्ज है, तो उसको क्या करना है, उसको स्टैनिंग करनी है, उसमें अगर प्रेजेंट होगा निसेरिया गोनोरिया, देन इट्स द कन्फर्मेटरी कि ये डिजीज गोनोरिया है, इज इट क्लियर। अब हम लेंगे थर्ड डिजीज, नाउ वी विल सी द थर्ड वन, थर्ड डिजीज जो है दैट इज एंथ्रैक्स, थर्ड डिजीज जो है वो है एंथ्रैक्स, ठीक है बेटा, एंथ्रैक्स ये एक खतरनाक बैक्टीरिया डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस किसकी वजह से, बैसिलस ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बट एनएरोबिक कहां पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, सो जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, ये ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया है जो कहां पाया जाता है, सॉइल में, ये बैसिलस है यानी कि यह रॉड शेप है। एक्चुअली जो ये डिजीज है ये एनिमल्स की डिजीज है, कैटल की डिजीज है, शीप की डिजीज है, काउ की डिजीज है, गोट की डिजीज है, लेकिन इंसानों में कैसे पहुंचती है, ध्यान से देखिए, पहले हम देखेंगे ट्रांसमिशन। अक्सर क्या होता है रूरल इलाकों में, वो जो लोग हैं अपने कैटल को जो है लेते हैं, मतलब उनको नहाने के लिए कहां लेते हैं, वाटर, जहां पे उनका ये हम कह सकते हैं वेल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं पॉन्ड होते हैं, या कहीं कैनाल होती है, तो जब वो अपने हम कह सकते हैं एनिमल्स को वहां पे धोते हैं, तो एनिमल्स को धोने के दौरान क्या होता है कि कोई एनिमल जो होता है वो हम कह सकते हैं इजेशन करता है, उसका जो काउडंग होता है, काउडंग जो है उसमें होते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स, ध्यान से सुनिए,
बैसिलस एंथ्रेस के स्पोर्स, और वो स्पोर्स किसके साथ मिलते हैं? पानी के साथ मिलते हैं। अब जब यही पानी इंसान पीता है, क्योंकि स्पोर जो वो दिखाई नहीं देता है, जब हमने उस स्पोर को लिया बॉडी के अंदर तो वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जिसे ये डिजीज होती है। इसी तरह सपोज हम कहीं पे जाते हैं, अक्सर पिकनिक रीजन में जाते हैं, आपको याद होगा हम कहीं पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, हेल्थ रिजॉर्ट्स पे जाते हैं, वहां पे चूंकि हम कह सकते हैं पक्का लेबोरेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो कहीं पे जो लोग हैं मतलब जो ऐसे ही ओपन इंजेक्शन करते हैं, ओपन लेबोरेटरी सिस्टम जहां पे होती है, तो जो फीकल मैटर है वो किसके साथ मिलता है? पानी के साथ मिलता है। और कहीं भी कुछ लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं इस वाटर पे, वो ये पानी पीते हैं, उनको पता होता है कि ये पानी साफ है तो वो ये पानी पीते हैं, उनके बॉडी में चला जाता है। या कहीं पे नॉन हाइजीनिक फूड खाते हैं इंसान, जो हम कह सकते हैं रेडे पे होता है, या हम कह सकते हैं ओपन वेंडर्स लगे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसे ही कोई वेजिटेबल जो अच्छे से धोया नहीं हुआ है, अच्छे से उसको क्लीन नहीं किया है, तो उनमें लगे होते हैं इनके स्पोर्स, तो ये स्पोर्स कहां पहुंचते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में। दैट मींस ये फूड पॉइजनिंग डिजीज, ये फूड पॉइजनिंग की डिजीज है। फीको, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फीको ओरल रूट, यानी कि जो फीकल मैटर होता है किसके साथ मिक्स होता है? पानी के साथ, और वो पानी कहां हमारे बॉडी में पहुंचता है। या बहुत जगह पे क्या लोग है, जैसे बहुत सारे लोग जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब नॉन हाइजीनिक फूड खाते हैं, नॉन हाइजीनिक फूड, तो जहां पे नॉन हाइजीनिक फूड होगा तो वहां पे, या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखिए जो हमारे यहां सब्जियां आती है, तो जैसे एक और चीज है इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे जो ये लोग करते हैं इसके साथ करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ करते हैं, वेजिटेबल्स के साथ करते हैं, उनके उस वेजिटेबल लैंड पे क्या होता है, कच्ची लेबोरेटरी होती है, तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज करता है एज ए मैन्यूअर फॉर दिस वेजिटेबल, फॉर दिस जो है ये एग्रीकल्चर के लिए, इस वेजिटेबल्स के लिए, तो वहां पे उस कभी अगर बारिश हुई होती है, या वहां पे कभी उस नजदीक में कहीं पे होता है पानी, तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ये इस पानी के साथ मिलकर, तो लोग जो अपनी सब्जियां इसी पानी से धोते हैं, तो वहां पे उस पानी में स्पोर्स, तो उस ह्यूमन एक्सक्रीटा में स्पोर्स होते हैं जो हमारी वेजिटेबल्स पे लगते हैं। जब भी हम लोग सब्जियां लेने जाते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत है वो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल गाजर लेते हैं, तो गाजर का कोई हिस्सा लिया खाया, उनने देखा नहीं वहां पे किसी जगह सब्जी में स्पोर होगा, या बहुत सारी जगह अच्छे से सब्जियों को वॉश नहीं करते तो ऐसे ही खाते हैं, या हम होटल रेस्टोरेंट में सैलेड लेते हैं, हमें लगता है कि क्लीन होगा, जरूरी है कि वो क्लीन होगा, तो उसमें कोई स्पोर होगा, तो वो स्पोर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचे, हमें क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग। तो ये ट्रांसमिशन है। उसके बाद सिम्टम्स, चूंकि जो पैथोजन है वो कहां है, वो कहां रहता है? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। डिजीज क्या है? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि फूड एंड वाटर, गंदा खाना और गंदे पानी की वजह से बीमारी होती है। तो पैथोजन कहां है? पैथोजन इंटेस्टाइन में है। अब जब पैथोजन इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन में क्या होगा? सबसे पहले डहेरिया। तो जब बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है, तो इससे जो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा हमारे फूड को, हमारे वाटर को, हमारे आयन्स को, इससे क्या होगा? पानी लॉस होगा। जब पानी ज्यादा एक्सेस में लॉस होगा, दैट्स लूज मोशन और डहेरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जो हमारा एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिन जो है वहां पे मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, तो पेन होती है एब्डोमिन में, साथ ही में फीवर भी होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट भी होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, या लॉस ऑफ एपिटाइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी क्रॉनिक केस में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग थ्रू स्टूल, यानी कि लूज मोशन के दौरान, डहेरिया के दौरान ब्लड भी लॉस होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये म्यूकोजा की लेयर को डैमेज कर सकता है। जब अपर लेयर म्यूकोजा डैमेज होगी, तो नीचे सब म्यूकोजा उसमें होता है ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज जब बर्स्ट हो गए तो वो लॉस करते हैं ब्लड। और इंपॉर्टेंट याद, जो एंथ्रेक्स है, बैसिलस एंथ्रेक्स, ये रिलीज करता है एक्सोटॉक्सिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलीज करता है एक्सोटॉक्सिन,
एक्सोटॉक्सिन मीन यानी कि एनवायरमेंट एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। सपोज कहीं पे हम कह सकते हैं कहीं ओपन एरिया में यही बैसिलस एंथ्रेसिस है, या अगर हमने काउ शीप को कहीं पे लिया है किसी हायर रीजन में हमने रखे हैं वहां पे शीप, तो उनके जो काउ डंग है बारिश के दौरान जब बारिश होती है तो बारिश वो उनको वॉश आउट करती है, तो जो ये हम कह सकते हैं जो ये एनिमल एक्सक्रीटा है ये पानी के साथ मिलता है, उनमें स्पोर्स होते हैं, उनमें ये एक्सोटॉक्सिन होता है। जब ये एक्सोटॉक्सिन को जरूरी नहीं है कभी पैथोजेनिक डायरेक्ट बॉडी में पहुंचेगा, कभी उसका एक्सोटॉक्सिन हमारे बॉडी में पहुंचता है तो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, तो दैट मींस एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंड याद रखिए जो एंथ्रेक्स है ये जो एक्सोटॉक्सिन के लिए ये थ्रेट है, एज अ थ्रेट इन बायोवॉर, यानी कि इसे एज अ बायोवॉर के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इस पैथोजन के एक्सोटॉक्सिन अगर फ्रीक्वेंटली हम पानी में मिलाएंगे या खाने में मिलाएंगे तो इससे क्या हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, डायरिया हो सकता है ये, और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, सो थ्रेट इन बायो वॉर। और इसमें याद रखिए इस बारे में सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेस क्या बनाते हैं एक्चुअली स्पोर्स, और वो स्पोर्स इजिली पास ऑन होते हैं, इवन सम केस में ये स्पोर्स इनहेल करता है इंसान जिसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि ये स्पोर्स इंसान इनहेल कर सकता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होगा। तो प्रिवेंशन क्या है, मैं आपको पहले कहा ये फीको ओरल रूट डिजीज है, कंटेमिनेटिव फूड एंड वाटर, सो ये पैथोजन हाई डिग्री टेम्परेचर है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सो वी शुड वॉश ऑलवेज हीट फूड वॉटर और वेजिटेबल्स एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वी शुड हमें खाना पहले ही, देखिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, कुछ लोगों को आता है जो ज्यादातर जॉब करते हैं जो आउटसाइड घर मतलब अपने घर से बाहर होते हैं, जो दिन भर घर से बाहर होते हैं, जो डिपेंड होते हैं बाहर के खाने पे, वो अक्सर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है जल्दी में टिन खाना खाते हैं, टिन फूड होता है वो रेडीमेड फूड होता है, तो ऐसे लगता होगा हमें कि ये टिन फूड है इसमें कोई पैथोजन नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है, उसमें स्पोर्स हो सकते हैं, उसमें एक्सोटॉक्सिन हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस टिन फूड को पहले हमें हीट करना चाहिए एट व्हाट डिग्री, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 90 डिग्री टेम्परेचर पर ये एक्सोटॉक्सिन ये पैथोजन क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमें खुला हुआ पानी पीना होगा उस एंश्योर की पानी को बॉयल करना होगा, जरूरी नहीं है ये जो मिनरल वाटर हमें मिलता है ये जरूरी नहीं है ये एंश्योर नहीं कि ये भी क्लीन होगा, इसमें भी इंप्यूरिटीज और पैथोजन या स्पोर्स होने का खतरा या एक्सोटॉक्सिन का खतरा है, सो वी शुड ऑलवेज बॉयल। तो हमेशा हमें क्या करना, जब भी हमें घर से बाहर निकलना होगा एग्जाम देने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, वी शुड एंश्योर कि हम अपने घर से ही क्या बॉयल्ड वाटर साथ ही, जितना हमें पानी दिन भर पीना है उतना हमें बॉयल्ड वाटर लेना चाहिए और वही पीना चाहिए। व्हेन वी बॉयल द वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑल द पैथोजेंस विल डाई। इस तरह का खाना होता है तो हमें खाने को पूरी तरह गर्म करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे रात का खाना बच जाता है तो सुबह को यही खाते हैं, अब कहते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहीं पे एज ए पीजीज होते हैं जो खुद खाना नहीं पकाते, या सपोज वो घर से बाहर होते हैं तो वो क्या होता है उनका कुछ खाना बच जाता है, वो अपने खाने के बचाने के चक्कर में वो रात को ऐसे ही खाना तो सुबह खाते हैं, और उन्हें फ्रीज में भी रखा होता है, लेकिन इस खाने को पहले हमें क्या करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए और हमें गर्म करना चाहिए एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, सो द पैथोजेंस विल डाई। याद रखिए जो एंथ्रेक्स है इस पर एक वैक्सीन बनाया है, इसके लिए वैक्सीन है जो लुईस पाश्चर ने बनाया था, सो लुईस पाश्चर ने वैक्सीन बनाया था। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सेम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, सो ये था एंथ्रेक्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ डिजीज नंबर फोर ये भी फूड पॉइजनिंग के रिलेटेड है, बॉटुलिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक थ्रेट है बायोवॉर में, तो ध्यान से देखिए ये जो बॉटुलिज्म है इसका कॉजिटेंस है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम एनएरोबिक
anaerobic or rod shaped gram positive bacteria. Gram positive bacteria. Go Clostridium botulinum anaerobic or rod shaped or gram positive bacteria. तो पहले हम देखेंगे ट्रांसमिट, मैंने आपको पहले ही बोला ये भी फूड पॉइजनिंग करता है तो हमारे बॉडी के अंदर कैसे पहुंचेगा, थ्रू ओरल, वो हम कह सकते हैं फीको ओरल रूट कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जब हम कहीं पे खाना या पानी ऐसे खाएंगे या पियेंगे जो ठीक नहीं होगा तो उसमें चांसेस हो सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के जो हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं. सिम्टम्स क्या है, पैथोजन कहां रहेगा, अभी मैंने बोला इंटेस्टीन में, तो जब ये इंटेस्टीन में रहेगा तो अफेक्ट करेगा डहेरिया, लेथार्जी, इंसान फील करता है वीक, नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और एक्यूट केस, क्रॉनिक केस में क्या होगा, ब्लीडिंग, यानी कि स्टूल के साथ डायरिया के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, डिसेंट्री. क्योंकि ये जो बोटुलिनम के है ये पैथोजन भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. स्वोलन टंग हो सकती है इसमें, स्वोलन टंग हो सकती है इसमें, तो यानी कि इसमें जो टंग है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, बिल्कुल स्पॉट्स निकलते हैं, रेड स्पॉट्स निकलते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और जो दिखाई देने में कुछ अजीब सी कंफ्यूजन होता है, इसे बोलते हैं डबल विजन. डबल विजन इसके सिम्टम्स थे. प्रिवेंशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो बोटुलिनम है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम ये थ्रू फीको ओरल रूट है, सो वी शुड ऑलवेज, शाबाश, हम ये कह सकते हैं बॉइल्ड वाटर, ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. कुक फूड प्रॉपरली, कुछ लोग रा खाना खाते हैं, पूरी तरह से पकाते नहीं है तो हमें अच्छे से खाने को पकाना चाहिए, रा फूड खाते हैं या वेजिटेबल्स या सैलड्स, हमें रा वेजिटेबल्स नहीं खाने होंगे, ऐसे ना कुछ हम सेब या कोई भी चाहते हम ऐसे ही खाते हैं, हमें बाज़ाब्ता उसको पहले धोना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, एवं बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे जिनका हमें अपर कवरिंग को है उसको रिमूव करना चाहिए, तो दैट मीन्स हमें फूड को एंश्योर करना चाहिए कि वी शुड वॉश देम एंड बॉइल देम, हमें उनको हीट देना चाहिए, इस तरह कोई खाना होगा हमें इसको पूरी तरह से पकाना चाहिए, हमें इसको पूरी तरह हीट करना चाहिए. नो वैक्सीन इज देयर. ट्रीटमेंट क्या है, सेम अभी मैंने बोला एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये भी थ्रेट है इन बायोवॉर, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी फेलियर करता है, तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा ये एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन जो एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बोटुलिनम है ये प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन, और वो एक्सोटॉक्सिन क्या है, वो एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, तो न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पूरे हमारे नर्व सिस्टम को ब्लॉक करता है, इम्पल्स को जो है ब्लॉक करता है, जिससे हम जो नर्व इम्पल्स है वो पास ऑन नहीं होती और कोई भी एरिया पैरालाइज हो सकता है या इंसान पूरा इंसान पैरालाइज हो सकता है, इसलिए ये यूज किया जाता है किसमें, एज अ बायो वेपन में, बायो वॉर में यूज किया जा सकता है, इस पैथोजन के स्पोर्स बनाने के लिए, इसका एक्सोटॉक्सिन निकालने के लिए वो इंजेक्ट किया जा सकता है किसी भी इंसान में, उसको पैरालाइज किया जा सकता है. सो ये था फोर्थ डिजीज बोटुलिनम. नाउ डिजीज नंबर फाइव
इससे पहले हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, अगर आपको 11th क्लास का याद होगा, हमने पढ़ा था डिसेंट्री, हमने पढ़ा है। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था प्रोटोजोअन्स में, अगर आपको याद होगा 11th क्लास में। अगर मैंने नहीं पढ़ाया, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा खुद, तो वहां पे एक पैथोजन हमने पढ़ा प्रोटोजोआ में, एक है एंटी अमीबा हिस्टोल्टिका या जियार्डिया। तो जिनकी वजह से जियार्डियासिस होती है या जिनकी वजह से एमीबायसिस होती है, एमीबिक डिसेंट्री होती है। लेकिन देयर आर सम पैथोजन जो बैक्टीरिया क्लास में आते हैं, जो बैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं, जिनकी वजह से डिसेंट्री हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल डिसेंट्री। सो डिजीज नंबर 5, बैक्टीरियल डिसेंट्री, यानी कि इंसान डहेरिया हो जाता है और डहेरिया के साथ ब्लीडिंग होती है, बट किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। इज ए क्लियर? और इसे नाम एक और हमने रखा है शीग्लॉसिस, इसे शीग्लॉसिस भी बोलते हैं या शीग्लॉसिस भी पढ़ते हैं। ये एक साइंटिस्ट था जापान का, शी, जिसने इसको पहली बार स्टडी किया, उसने अपने नाम पे इस पैथोजन को रखा है शिगिला। तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? शिगिला, शिगिला डिसेंट्री, शिगिला डिसेंट्री, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। शबाश, ये फीको ट्रांसमिशन कैसे होगा? ट्रांसमिशन कैसे होगा? वही मैंने अभी बोला, फीको ओरल रूट, फीको ओरल, यानी कि ये थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये तीन डिजीज हमने पढ़े, बॉटुलिनम, एंथ्रैक्स और ये आप डिसेंट्री, बैक्टीरिया डिसेंट्री। यानी कि जब हमने कहीं पे गंदा पानी पिया, हमने कोई ऐसा पानी पिया जो बॉयल नहीं है, हमने कहीं पे ऐसा खाना खाया जो क्लीन ही है, जो हाइजीनिक नहीं है, ऐसे किसी वेंडर कोई रनिंग पे होता है, कोई रेडे वाले के पास होती है बिरयानी है, कुछ उसने पकाया तो हम ऐसे ही खाते हैं। यानी कि कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वीक इम्यूनिटी होती है, वो ऐसे ही रास्ते पे कहीं जगह खाना खाते हैं, या कुछ रेस्टोरेंट ऐसे, कुछ ढाबे ऐसे है जहां पे वो चाय पीते हैं, या कुछ ऐसे जो प्रॉपरली वॉश नहीं है, जो प्रॉपरली बॉयल नहीं है, तो वहां पे खतरा है कि वहां से हमें क्या मिल सकते हैं? ये शिगिला डिसेंट्री, जो हमारे इंटेस्टिन में आके हमें क्या कर सकता है? फूड पॉइजनिंग। तो ये फीको ओरल रूट है ट्रांसमिशन का। सिम्टम्स क्या है? जैसे नाम ही इसका है डिसेंट्री, डिसेंट्री, नौशिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, जनरल वीकनेस, क्योंकि जब डिसेंट्री होती है एक्सेस वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो इसे जनरल वीकनेस, जनरल वीकनेस। प्रिवेंशन क्या है? जो भी वाटर बोरन डिजीज है, जो भी फीको और रूट मैकेनिज्म है, वी शुड ऑलवेज, हमें वही चीज खाना चाहिए जो हमें एंश्योर होगा ये क्लीन है, ये बॉयल्ड है या ये हीट किलर है। तो ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली। हमें जो सब्जियां हैं या हमारे पास जो फ्रूट्स है, हमें इनको अच्छे से क्लीन करके धो के हमें इनको खाना चाहिए। हीट फूड, जो हमें खाना खाना चाहिए वो हमें क्या करना, वो एंश्योर करना चाहिए, वो हीट हमें उसको अच्छे से प्रॉपरली हीट देनी चाहिए। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हमें पीना होगा हमें उसको एंश्योर करना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बॉयल्ड होना चाहिए। नो वैक्सीन इज देयर, ट्रीटमेंट क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है तो क्या होगा? शबाश, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स। सो प्रिवेंशन क्या है? वी शुड ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमें खाना जो है अच्छे से पका के खाना चाहिए। अगर रात का खाना है उसे हमें पहले बहुत ज्यादा गर्म करना चाहिए,
ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। अगर हमने कहीं पे पानी पीना, हमें पता कि ये आउटसाइड वाटर है, तो वो इंश्योर कि पहले बॉयल हो, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें अपने साथ बॉयल्ड वाटर लेना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, हमने अपने आप को क्लीन रखना होगा। जब हमारे अक्सर जो है उनके जो हाथ वो गंदे होते हैं, धोने के बगैर ऐसी चीजें खाते हैं, तो उस इंश्योर। और हमें रास्ते में जो रोड साइड पर जो होते हैं ये वेंडर्स जो बेचते हैं खाना है बाकी चीज, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिजीज ले रहे हैं, डिजीज नंबर 6, वो है सिफिलिस। सिफिलिस ये भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कॉजेटिव एजेंट ट्रिपोनीमा पैलीडियम, ट्रिपोनीमा पैलीडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है कॉजेटिव एजेंट, क्या है ट्रांसमिशन, ध्यान से देखिए क्या है ट्रांसमिशन, ओरल, एनल और वैजिनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जब सेक्सुअल कोर्स होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा थ्रू ओरल मोड होगा, एनल मोड होगा या वैजिनल मोड होगा, तब ये पास ऑन हो सकता है। एक और तरीका है ट्रांसमिशन का, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि कोई बंदा खून देता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो बंदा ब्लड देता है किसी, यानी कि जो बंदा डोनर होता है, यानी कि जो खून देने वाला होता है, जो ब्लड देता है, सपोज उसके ब्लड में ये ट्रिपोनीमा पैलीडियम होगा, तो वो उस बंदे को पासन होगा जो रिसिपियंट होगा, तो थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ाऊंगा सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए सपोज एक मदर है, वो प्रेग्नेंट है, मदर इज प्रेग्नेंट, तो उसके बॉडी में ट्रिपोनीमा पैलीडियम है, तो जो ट्रिपोनीमा पैलीडियम है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके इजिली पास ऑन होता है किसमें, बच्चे में। दैट मींस बच्चे को सिफिलिस होगा बाय बर्थ। देखिए निसेरिया गोनोरिया में या क्लैमाइडियासिस में या कैंक्रोइड्स में, ये तीनों थे एसटीडीज, लेकिन उनमें हमने ये पॉइंट कहीं नहीं पढ़ा। उनमें जैसे गोनोरिया में या जो ये क्लैमाइडियस में, वहां पे क्या होता है, जब वहां पे वैजिनल डिलीवरी होती है, तो बर्थ के टाइम, यानी कि बर्थ के टाइम अगर सपोज फीमेल है, उसके वैजिना में कहीं पे ये पैथोजन या स्पॉट्स है, वैजिनल पास सेक्रीशन हो रही है, तो उसमें अगर पैथोजन होगा वो पासन होगा, बच्चे के आंखों ब्लाइंड हो सकता है। लेकिन यहां पे अगर मदर प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रिपोनीमा पैलीडियम है वो पासन हो सकता है बच्चे को थ्रू प्लेसेंटा। इसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस, गो फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ सिफिलिस में होता है, इसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल सिफिलिस, कॉन्जेनिटल सिफिलिस। मैं इसको यहां पे स्टार देता हूं क्योंकि दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्जेनिटल सिफिलिस कहीं पर हमने नहीं देखा, इससे पहले हमने गोनोरिया पढ़ा। सिर्फ वैजिनल डिलीवरी के टाइम, ध्यान से सुनिए, वैजिनल डिलीवरी के टाइम एक पैथोजन बैक्टीरिया पासन हो सकता है बच्चे के आंख में, तो ब्लाइंडनेस कर सकता है, लेकिन वो डिलीवरी के टाइम। लेकिन यहां पे बाय बर्थ, यानी कि बच्चे की विलादत के ही टाइम उसको मिला, क्योंकि मां अफेक्टेड थी, मां को सिफिलिस था, मां के अंदर ट्रिपोनीमा पैलीडियम था जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर पासन हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि जब डिलीवरी होगी तो मदर से किसको पासन होगा, मदर से चाइल्ड को पासन होगा, ये तो पहले ही हमने पढ़ा है।
तो ये चार चीजें हैं जिसके थ्रू सिफिलिस पास ऑन हो सकता है, थ्रू और एनल और वैजिनल सेक्सुअल इंटरकोर्स, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून के चलाने के टाइम, जब मां प्रेग्नेंट होगी तो प्लेसेंटा के थ्रू अपने बच्चे को दे सकते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस, और जब डिलीवरी होगी तो मदर जब बेबी वैजिनल डिलीवरी जब बेबी एक्सपेल होगा थ्रू वैजिना के टाइम, उस वक्त अगर वैजिन में कहीं पर पस्टुलर स्पॉट्स है तो वहां से जो पैथोजन होगा वो बच्चे की बॉडी में चला जाएगा, उसकी आंख में चला जाएगा। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। देखिए सिम्टम्स में याद रखिएगा इसके चार स्टेजेस है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिफिलिस के चार स्टेजेस है, पहले हम लेंगे फर्स्ट स्टेज, बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज तो पहले स्टेज में कैसे हमें पता चलेगा कि ये सिफिलिस है, ध्यान से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने पढ़ा, जो हमने पहली डिजीज पढ़ी थी कैंक्रोइड, वहां मैंने आपको बोला था पेनफुल एंड ब्लीडिंग अल्सरेशन, यानी कि अल्सरेशन है जिसमें दर्द होगा और जिसमें ब्लड लॉस होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे ब्लीडिंग नहीं होगी, यहां पे अल्सरेशन होगी, वो ड्राई होगी, क्लीन होगी, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं होगा। तो पेनलेस, पेनलेस, ड्राई एंड क्लीन अल्सरेशन कहां पे, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस जगह पे, ध्यान से, जिस जगह पे ये इंफेक्शन होगा उस जगह पे दर्द के बगैर, यानी कि वहां पे पेन नहीं होगी, बिल्कुल ड्राइनेस होगी, क्लीन होगी, अल्सरेशन, उसे हम बोलते हैं कैंकर, दैट्स नोन एज कैंकर, CHANCRE, कैंकर। सो कैंकर क्या है, इट्स अ पेनलेस ड्राई क्लीन अल्सरेशन एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी पूछा जा सकता है नीट में कि जो कैंकर है ये किस स्टेज में बनता है, प्राइमरी स्टेज इन सिफिलिस। तो सेकंड स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज यानी कि अगर डिजीज कंटिन्यू होगी, हमने इसको अभी चेक नहीं किया, तो क्या होता है, रैशेज निकलेंगे, रेड रैशेज कहां पे, ऑन स्किन, पाम हाथों में, फीट पैरों में, पाम स्किन, पाम और फीट में, एंड इवन बैक, यानी कि जो कमर होता है उस पर पूरे बॉडी पे रेड रैश निकलेंगे, या पूरे स्किन जो है बॉडी की स्किन उस पर रेड रैश निकलेंगे, जो हमारे हाथ है हाथ पे अंदर या बाहर से रेड रैश निकलेंगे, या जो हमारे पैर है वहां पे रेड रैशेस निकलेंगे। ये किस स्टेज में होगा, सेकेंडरी स्टेज में। उसके बाद लेटेंट स्टेज है। देखिए लेटेंट स्टेज जो है नाम से ही पता चलता है, इसमें जो सिफिलिस पैथोजन है ये बिल्कुल डोरमेंट रहता है, बिल्कुल सुस्त रहता है, लेजी रहता है, और अप टू 20 इयर्स नो सिम्टम्स। लेटेंट स्टेज में कोई भी सिम्टम नहीं होगा, नो सिम्टम, कब तक, टिल 20 इयर्स, वो 20 साल तक कोई भी सिम्टम नहीं होगा, 20 साल तक कोई भी सिम्टम नहीं होगा। ये कौन सा स्टेज है, लेटेंट स्टेज। वो लेटेंट स्टेज में 20 इयर्स तक कोई भी सिम्टम नहीं होगा, जरूरी नहीं है किसी 20 साल, 2 साल भी, साल भी, कुछ महीने भी, लेकिन इस वक्त उस टाइम में कोई भी सिम्टम नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा टर्शियरी स्टेज, टर्शियरी स्टेज। तो टर्शियरी स्टेज में क्या होगा, ध्यान से सुनो बेटा, टर्शियरी स्टेज में क्या होगा, टर्शियरी स्टेज में अब यही पैथोजन अटैक करेगा ऑर्गन्स को, जो इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, जैसे ब्रेन इन्वॉल्व होगा उसे बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस, न्यूरोसिफिलिस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होगा, यानी कि इसमें हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो इन्वॉल्व होगा, दिमाग इन्वॉल्व होगा, इवन बॉडी के अदर पार्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल लंग्स इन्वॉल्व होंगे। तो एडिमा होगा बॉडी के अंदर, पस बनेगा बॉडी के अंदर, जिसके बाद में इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। सो टर्शियरी स्टेज में याद रखिए, टर्शियरी स्टेज में फिर ये पैथोजन किसको अटैक करेगा, ऑर्गन्स को, स्पेशली द विसरल एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होंगे, लंग्स हो सकते हैं, किडनीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये उन एरियाज को टारगेट करेगा। ये थे सिम्टम के चार स्टेज, सिम्टम के कितने स्टेज थे, चार स्टेज। पहला कौन सा स्टेज था, प्राइमरी स्टेज, क्या होगा,
पेनलेस ड्राई क्लीन अल्सरेशन उसको बोलते हैं कैंकर। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो हमारे हाथ पैर और जो हमारी स्किन है उस पर निकलेंगे रेड रैशेस, और उसके बाद लेटर स्टेज कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नो सिम्टम अप टू 20 इयर्स। उसके बाद थर्ड स्टेज में इन्वॉल्व होंगे ऑर्गन्स और इवन इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट। बैक्टीरियल डिजीज है तो इससे क्या यूज होगा, एंटीबायोटिक। हर एक स्टेज में एक ही एंटीबायोटिक दिया जा सकता, बोलते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो दिया जाता है हर एक, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो या लेटर स्टेज हो, सिर्फ पेनिसिलिन दिया जाता है। ये याद रखना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्नोसिस, देखिए इसके लिए कुछ डायग्नोसिस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक टेस्ट है टीपीआई टेस्ट, वी डी आर एल टेस्ट। एक और है फ्लोरिसेंट एब्जॉर्बेंट एंटीबॉडी टेस्ट, फ्लोरिसेंट ट्रिपोनीमा एंटीबॉडी डैश एब्जॉर्बेंट टेस्ट। इसका फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है, मैं यहां पे लिखता हूं ये, क्योंकि ये टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिसेंट ट्रिपोनीमा एंटीबॉडी एब्जॉर्बेंट टेस्ट, फ्लोरिसेंट ट्रिपोनीमा एंटीबॉडी एब्जॉर्बेंट टेस्ट। एक और है जैसे हमने की थी गोनोरिया के टाइम, या हमने क्लैमाइडियसिस पढ़ा, या हमने कैंक्रोइड्स पढ़ा, मैंने वहां पे आपको बोला था इसमें हम ग्राम स्टैनिंग करते हैं, लेकिन यहां पे ग्राम स्टैनिंग नहीं है, याद रखिए यहां पे ग्राम स्टैनिंग नहीं है, बल्कि यहां पे जो ड्राई एरिया होता है वहां से हम लेते हैं उसका एक स्किन लेते हैं, उसको हम करते हैं डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। तो यहां पे जो नेक्स्ट टेस्ट है उसको हम बोलते हैं डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज दैट, जो साइट ऑफ इंफेक्शन है उस जगह, जो कैंकर बना उस जगह से हम कुछ टिश्यू लेते हैं उसको स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, उसको हम बोलते हैं डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। एक और टेस्ट है उसे बोलते हैं वेसरमैन्स टेस्ट, ये साइंटिस्ट के नाम पे है वेसरमैन्स टेस्ट, ठीक है। एक सिफिलिस में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो इसके दांत है उस पर कुछ अजीब, हम कह सकते हैं कुछ स्पॉट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हंचिनसन्स टीथ। ये साइंटिस्ट है जिसको स्टडी किया था, इसको देखा था क्या ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक पॉइंट्स होता है, कुछ डॉट्स होता है, कुछ ब्लैक अपीयरेंस होता है हमारे दांत पे, उस जिस बंदे को सिफिलिस हो उसके दांत पे, जिसे हम बोलते हैं हंचिनसन्स टीथ। अब एक पॉइंट है कि आया कहां से है सिफिलिस। कहता है कि इन 1465 में जो फ्रेंच आर्मी थी वो एक पर्टिकुलर एरिया में, और कहा जाता है वो पर्टिकुलर एरिया इटली था, तो वो उस एरिया में गए थे, आई डोंट नो उस वक्त शायद कोई जंग चल रही थी उन दोनों के बीच में, तो वो वहीं पे गए थे। जब फ्रेंच आर्मी यहां से गए थे इटली, जब वो वापस आ गए तो उनको ये डिजीज हो गई, तो पहले उसको नाम दिया गया था, यानी कि ये फ्रेंच की आर्मी में पहले देखी गई, इसको नाम दिया गया था फ्रेंच डिजीज। आई विल राइट इट हियर, एक सेकेंड, फ्रेंच डिजीज, फ्रेंच डिजीज, या इसे कहते हैं फ्रेंच सिफिलिस, या इसे कहते हैं ग्रैंड पॉक्स, या इसे फ्रेंच पॉक्स भी कहा जाता है, इतना नाम है। इसे फ्रेंच डिजीज भी कहा जाता है, ग्रैंड पॉक्स भी कहा जाता है, एंड फ्रेंच पॉक्स भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब मैंने यहां पे लिखा हंचिनसन्स, ये भी इंपॉर्टेंट, ये जो टेस्ट मैंने यहां पे लिखे ये भी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव के लिए। क्यों कहा जाता है इसको फ्रेंच डिजीज, मैं फिर रिपीट करता हूं। कहते हैं 1465 में फ्रेंच आर्मी गई थी एक वॉर के लिए इटली, तो वहां से आके उनको ये डिजीज हो गई, तो उनको पहले पता नहीं था, लेटर ऑन इसको कहा गया सिफिलिस। तो फ्रेंच के पीपल ने एक्चुअली ब्लेम किया था इटली को कि उन्हीं की वजह से हो गया,
तो उस वक्त शायद ये कहा गया कि शायद वहां पे सेक्चुअल कॉन्टेक्ट हुआ, शायद वहां पे फ्रेंच आर्मी ने उन वहां की उनकी औरतों के साथ फोर्सफुल हम कह सकते हैं सेक्चुअल कॉन्टेक्ट किए थे, जिसकी वजह से ये डिजीज हो गई थी। बट क्लियर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस आपको ये याद रखना कि इस डिजीज को कभी कभी फ्रेंच डिजीज, ग्रैंड पॉक्स या फ्रेंच पॉक्स भी कहा जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि पहली बार ये डिजीज जो है एक्चुअली फ्रेंच लोगों में देखी गई। और एक इटाली का एक सबसे हम मशहूर एक पोइट था जिसने अपनी एक नजम में भी इस डिजीज का मेंशन किया था। उसने डिजीज में मेंशन किया था कि इटाली को ये डिजीज मिली है कहां से, फ्रॉम द फ्रेंच। इसलिए इसको फ्रेंच डिजीज या ग्रैंड पॉक्स या फ्रेंच पॉक्स भी कहा जाता है। दैट वॉज डिजीज नंबर 6। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट डिजीज ले रहे हैं, डिजीज नंबर 7, वो है रिकेटशियल डिजीज। रिकेटशियल डिजीज, रिकेटशियल डिजीज, ठीक है बेटा, रिकेटशियल डिजीज। देखिए इस डिजीज में इसको हम एक ट्रिक याद रखेंगे। I'll make a table here. यहां से name of disease, name of disease, यहां से causative agent and यहां से mode of transmission, mode of transmission. तो trick क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं QRST. आई डैम श्योर एबीसीडी सबको याद होगा। सो क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, क्यू आर एस टी। तो पहली डिजीज जो है उसे हम बोलते हैं क्यू फीवर, क्यू फीवर, एफ ई वी आर, क्यू फीवर। कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ध्यान से सुनिए, रिकेशियल की एक स्पीशीज है, ध्यान से सुनिए, कॉक्सिला, कॉक्सिला बर्नेटी, कॉक्सिला बर्नेटी, ये इसका, ये एक्चुअली रिकेटशिया में ही आते हैं, ये जीनस है, ये रिकेटशिया जो है ये बैक्टीरिया है, जीनस उन्हीं की एक स्पीशीज है कॉक्सिला बर्नेटी। और ये ईयर बॉर्न है, ईयर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। क्यू फीवर किसकी वजह से होता है, कॉक्सिला बर्नेटी की वजह से, जो फैलता कहां से, थ्रू ईयर। और ये जो कॉक्सिला बर्नेटी है यह है ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिक, आपको याद रखना है क्या क्या है, ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है एंड नॉन स्पोरिक। ये पहला आ गया क्यू फीवर, याद रखिएगा। सो फर्स्ट है क्यू फीवर। तो जो हमने ट्रिक लिखी थी यहां पे क्या है, क्यू आर एस टी, उसका क्यू का क्या आ गया, पहला क्यू फीवर। दूसरा क्या है, दूसरा है और, और के आता है रॉकी, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर किसकी वजह से होता है, ध्यान से देखिए, रिकेटशिया, 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 रिकेटसी, रिकेटशी, रिकेटशिया, रिकेटसी, ये इस बैक्टीरिया, इजी है, रिकेटशिया, रिकेटसी, ये बैक्टीरिया का नाम है। तो रॉकी माउंटेन स्पॉट फीवर किसकी वजह से होता है, रिकेटशिया, रिकेटसी, सेम, ये भी ग्राम नेगेटिव है और नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिक है, लेकिन इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक ऑर्थोपोड, ध्यान से, एक ऑर्थोपोड इंसेक्ट है, उसका नाम है टिक, अपने नाम सुना होगा टिक, बाइट ऑफ टिक से, बाइट ऑफ टिक, जो टिक माइट्स होते हैं ये एक्चुअली सैंगिवोरस होते हैं, ये खून चूसने वाले होते हैं, अक्सर इंसानों को बाइट करते हैं उनका ब्लड सक करने के लिए। तो यहां पे एक टिक है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है रिकेटशिया, रिकेटशी। तो ये जब बाइट करता है, किनको बाइट करता है, ह्यूमंस को, तो बाइट के दौरान ये अपना ब्लड डालते हैं, उस ब्लड में होता है बैक्टीरिया, रिकेटशिया, रिकेटशी, जिससे वजह से रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये रिकर्सिया रिकर्सी जो है ये भी क्या है, ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। रादर याद रखिए जो रिकर्सियल डिजीज है, पहले मुझे यहां पे आपको बोलना चाहिए था किन्हें हम बोलेंगे रिकर्सियल डिजीज। रिकर्सियल डिजीज उन्हीं को बोलते हैं जो होते हैं किन बैक्टीरिया की वजह से, रिकर्सिया बैक्टीरिया की वजह से। तो यहां मैंने तीन रिकर्सिया बैक्टीरिया लिए, क्यू आर एस एन टी। तो पहला क्या है टॉक्सिला बर्नेटी, दूसरा क्या है रिकेशिया रिकेश आर, तो थर्ड है लेते हैं थर्ड ध्यान सुनी टाइफस फीवर या ऐसे बोलते हैं स्पॉटेड टाइफस फीवर या ऐसे बोलते हैं एपिडेमिक स्पॉटेड फीवर भी। तो इसके बहुत सारे नाम है, टाइफस फीवर इसको कॉमनली बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, और रिकेट्सिया पैवोजकी, रिकेट्सिया पैवोजकी इस बैक्टीरिया का नाम है। और कैसे होता है, आपने नाम सुना होगा जू का, जिसे बोलते हैं लाइस, लाइस। तो लाइस जो है उसका जो फीकल मैटर होता है लाइस, या उसे बोलते हैं पेडंकुलस, उसके जो फीसेस होते हैं उसी की वजह से ये डिजीज फैलती है। सो दैट मीन जो टाइफस फीवर है या इसे बोलते हैं स्पॉटेड टाइफस फीवर, ये किसकी वजह से होती है, ये होती है रिकेट्सिया पैवोजोकी की वजह से जो फैलती है किससे, एक जू से जिसका नाम है लाइस, यानी कि लाइस या पेडंकुलस उसके फेसेस से। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे हमने लिए लास्ट डिजीज से बोलते हैं रिकेट्सियल डिजीज, वो डिजीज जो होता है एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है रिकेट्सिया, उसी को बोलते हैं रिकर्सियल डिजीज। जो रिकर्सिया बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये नॉन मोटाइल है और नॉन स्पोरिक है, ना ये स्पोर बनाते हैं, ये बिल्कुल नॉन मोटाइल है, दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये ग्राम नेगेटिव है। तो एक ट्रिक हमने याद रखी QRST, यानी कि क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी। तो पहला फीवर है क्यू फीवर, किसकी वजह से होता है टॉक्सिला बर्नेटी की वजह से, ये एक रिकर्सियल बैक्टीरिया है और फैलता कहां से, थ्रू एयर। दूसरा है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, किसकी वजह से होता है रिकर्सिया रिकेट्सी की वजह से, बाइट ऑफ टिक, यानी कि टिप के टिक जो है उसके बाइट से ये फैलती है। दूसरा टाइफस फीवर, आप सोचोगे यहां पे एस है, एक्चुअली ये म्यमोनिक है आपको याद रखने के लिए, क्योंकि अगर हम लिखते हैं क्यों, क्यों के बाद आर तो टी डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसको मेमोराइज करने के लिए हमने यहां पे एस लिखा। तो इसे बोलते हैं स्पॉटेड टाइफस, यानी कि ये दो एक ही है, एसओटी जो ये एक ही है, स्पॉटेड टाइफस या टाइफस फीवर इसको बोलते हैं। किसकी वजह से होता है रिकेट्सिया प्रोवाजोकी, यहां मैंने लिखा थोड़ा गलत, सॉरी, प्रोवाजोकी की वजह से, रिकेट्सिया प्रोवाजोकी की वजह से। जो प्रोवाजोकी है ये एक बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया प्रोवाजोकी एक बैक्टीरिया है, उसी की वजह से होता है। और फैलता कहां से, लाइस के काटने से या लाइस के फीकल मैटर से। लाइस क्या है, जू है, सब बोलते हैं जो लाइस है पेडंकुलस, उसके फीसिस की वजह से ये हमारी बॉडी में फैलती है। सो ये तीन तरह के फीवर, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और टाइफस फीवर, ये तीन इंपॉर्टेंट फीवर है और ये होते हैं किसकी वजह से, रिकर्सियल डिजीज की वजह से। सो डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बैक्टीरियल डिजीज। ऑलमोस्ट हमने पढ़े हैं ऑलमोस्ट 17 डिजीज। पहले क्लास में हमने दो बैक्टीरियल डिजीज पढ़े, दूसरी क्लास में हमने 8 बैक्टीरियल डिजीज पढ़े, तो हो गए टोटल 10, और आज हमने ऑलमोस्ट 7 डिजीज पढ़े तो हो गई 17, यानी कि 17 बैक्टीरियल डिजीज हमने स्टडी किए। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीट ऑल द बैक्टीरियल डिजीज। ये वो सारी बैक्टीरियल डिजीज है जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एंड प्लीज इनको अच्छे से लर्न कीजिए, लर्न देम बाय हार्ट, इन्हें याद कीजिए बाय हार्ट। खास तो तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव एजेंट, डायग्नोसिस,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी पर कोई वैक्सीन होता है जो आपको याद रखना होता है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सिम्टम है जो उसी डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान वायरल डिजीज। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।